नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देवरिया जिला के अंतर्गत ब्लॉक पत्थर देवा के बजरिया बाजार से डॉक्टर विवेक सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव यूजन सभा न्यूज़ 9 भारत पर लाइव होते हुए उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों से जानलेवा कोरोना वायरस से इससे बचें। आइए सुनते हैं न्यूज़ 9 भारत की पर इनकी बातें। संवाददाता तरकुलवा से राजा कुमार कनौजिया, खास रिपोर्ट। मैं विवेक सिंह पटेल, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी यूजन सभा। जैसा कि इस समय देश में कोरोना का महामारी चला हुआ है, ये बेहद खतरनाक वायरस है जिससे लगभग विश्व के सभी देश ग्रसित हैं और हम लोग नज़ारा देख रहे हैं इसका। इसको एहतियातन जो लॉकडाउन किया गया है, उस लॉकडाउन का अनुपालन करना ही केवल इसका उपाय है। ये कोरोना वायरस, क्योंकि मैं डॉक्टरी फील्ड से हूँ, इस पर पढ़ भी रहा था मैं, तो इसमें स्पष्ट है कि ये केवल ड्रॉपलेट से फैलता है। छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उसके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसको वो बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो त्रासदी फैली हुई है, लॉकडाउन किया गया है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बार बार समझाया जा रहा है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये न्यूज़ 9 भारत के माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके अपने घरों में रहें, केवल घरों में रहें। इससे बचाव सिर्फ इसी से हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रहें, घरों में रहें और लोगों के संपर्क में ज़्यादातर ना। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी लेवल से उठकर लगातार सरकार की हर मुहिम में वो जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया से या अपने नेताओं से जिस तरीके से आग्रह करके लोगों की मदद और लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। साथ ही साथ इसको जो ये लॉकडाउन बुलाया गया है, इसको सबको फॉलो करना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी राजनीतिक दल को नहीं होगा, ये सबको होगा। तो आप सभी एहतियात बरतिए, लॉकडाउन का पूरी तरीके से फॉलो करिए। साथ ही साथ इस न्यूज चैनल माध्यम से मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग दवाइयां लेने या जरूरत की चीजें लेने जा रहे हैं, तो जरूरत की चीजों के लिए टाइम बनाया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जो बाहर निकल रहे हैं दवाइयों के लिए, देखा जा रहा है कि पुलिस कहीं कहीं बर्बरता दिखा रही है। तो मैं अपने पुलिस साथियों से भी निवेदन करता हूं कि आप बर्बरता ना दिखाएं, उसे समझाएं, उसे थोड़ा बहुत दंडित करें और उसे दोबारा इस काम को ना करने की अपील करें। साथ ही साथ आखिरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टरों और पुलिस विभाग के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रशासनिक लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर इस महामारी से पूरी तरीके से